ये जूते में लगा हुआ थूक चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जब विधायक ही जीती है। राजनीतिक नजरिए से जिला रामपुर समाजवादी पार्टी और खासकर आजम खान का गढ़ रही है, लेकिन अब वही रामपुर उनके हाथों से करीब करीब पूरे तरीके से फिसल चुका है। और इसके लिए अगर उनकी गलत बयानबाजी को जिम्मेदार माना जाए तो कोई बेमानी नहीं होनी चाहिए। अरे ये जूते में लगा हुआ थूक चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जब विधायक ही जीती है। रामपुरी चाकू के लिए मशहूर रामपुर से पूर्व विधायक आजम खान का राजनीतिक करियर उनकी ही जुबानी बारिश से कई बार घायल हो चुका है, या यूं कहें कि आजम खान का पूरा सियासी सफर ही विवादित बयानों और उससे उठने वाले हंगामे से भरा रहा है। साल 2019 में आजम खान ने पीएम मोदी और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। उस बयान को लेकर आजम खान ऐसे फंसे कि उसने उनके वर्तमान और भविष्य की राजनीति को अंधकार में धकेल दिया। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। दो हजार 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा था कि कलेक्टर फलेक्टर से मत डरिए, ये तनखैया हैं, तनखैयों से नहीं डरते, देखे हैं मायावती के बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल कर जूते साफ करते हैं, उन्हीं से गठबंधन है, उनके ही जूते साफ करवाऊंगा इनसे अल्लाह ने चाह तो। ये कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अब एक बार फिर आजम खान जुबानी भावनाओं में बह गए और एक बार फिर उनके जुबान पर जूते वाली बात आ गई। फर्क सिर्फ इतना है कि उस बार उनके जूते वाला बयान तत्कालीन डीएम के लिए था और इस बार अपने जिले के प्रतिद्वंदी विपक्ष के दल के नेता के लिए। क्या पार्लियामेंट हमने हारी है? वाह वाह बहादुर, वाह क्या मर्दानगी है। अरे ये जूते में लगा हुआ थूक चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जब विधायक ही जीती है तुमने। हमारे तो हलक में थूक भी नहीं रह गया, कहां तक थूके और कहां तक चाटे। 2019 वाले बयान का खामियाजा उन्हें कुछ इस कदर भुगतना पड़ा कि 3 साल की जेल के अलावा विधायकी गई, 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लग गई, और तो और वोट डालने का अधिकार तो छिन ही गया। अब बेटे अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद रामपुर के स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आजम ने फिर अपने भाषण में जूते का इस्तेमाल कर दिया। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आजम की विवादित बयानबाजी उन्हें और किस अंजाम तक लेकर जाती है। अरे ये जूते में लगा हुआ थूक चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जब विधायक ही जीती है।